MIUI 12.0.2.0 Xiaomi.eu ROM for Redmi Note 9 Pro 9S। दोस्तों आप मेरी तरह अगर स्टेबल रोम ढूंढ रहे हो MIUI की तो आपको वीडियो में स्वागत है, क्योंकि आज मैंने इंस्टॉल की है एक MIUI की रोम Xiaomi.eu MIUI 12.0.2.0 जिसके अंदर कौन से फीचर्स और क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं, तो क्या यहाँ पे तो क्या ये रोम स्टेबल है या नहीं, नहीं। तो ये आपको वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या बैंकिंग ऐप्स है जो परफेक्टली वर्क करते हैं या नहीं। तो काफ़ी जो लोग हैं उनको बैंकिंग ऐप्स में प्रॉब्लम आती है कस्टम रोम्स में, पर इस रोम में आपको है जो प्ले प्रोटेक्ट है वो आपको सर्टिफाइड देखने को मिलता है, जिससे आपको आधी प्रॉब्लम्स तो आपको यहीं पे सॉल्व हो जाती है। बैंकिंग ऐप्स वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपको सेफ्टी नेट टेस्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से बैंकिंग ऐप्स। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सेफ्टी नेट जो है आपको पास देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप यूज़ कर सकते हो सारे बैंकिंग ऐप्स। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इंस्टॉल कर रखा है फ़ोन पे, मैंने ट्राई किया है बैंकिंग ऐप परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। बात करेंगे वाइड वाइन 11 सपोर्ट्स की, तो नेटफ्लिक्स तो आप देखते ही होंगे, लॉकडाउन में आप बैठे बैठे बोर हो गए होंगे तो मेरी तरह नेटफ्लिक्स देखते हो। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल है आपको L1 देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पे HD जो स्ट्रीमिंग है आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मज़े करिए, एकदम फुल HD कंटेंट देखिए, और आप कमेंट करके बताइए आपने कौन कौन सी वेब सीरीज देख ली है इस लॉकडाउन के अंदर। नेक्स्ट जो बात करने वाला है वो है अंतुतु बेंचमार्क स्कोर। तो हम इस रोम को क्या अच्छा अंतुतु बेंचमार्क मिलेगा या नहीं, तो ये तो अंतुतु बेंचमार्क स्कोर देखने के बाद ही पता चलेगा। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ माई डिवाइस के अंदर जाके, यहाँ पे आपको एवरेज स्कोर है 260,956 देखने को मिलता है, जो कि मेरे को आज तक की जितनी भी रोम्स हैं उनसे बेस्ट देखने को मिला है, क्योंकि इसमें 260,000 है। आप मेरी बाकी वीडियोस जाके देख सकते हो जिसके अंदर अंतुतु बेंचमार्क आपको इससे कम ही देखने को मिलेगा, तो बेस्ट अंतुतु बेंचमार्क स्कोर मेरे को इस रोम में देखने को मिला है। तो नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ मैं, इसके जो एनिमेशंस की बात करूँगा कि इसमें आपको कोई लैग देखने को मिलता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मुझे ना एनिमेशंस में कोई लैग देखने को नहीं मिला है अभी तक, बिल्कुल परफेक्टली और स्मूथली जो रोम है वर्क करती नज़र आ रही है। गैलरी में ओपन करता हूँ और बाकी और ऐप्स में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या ऐप ओपनिंग के एनिमेशन में आपको कोई लैग देखने को मिलता है या नहीं। तो मैं काफ़ी जो ऐप्स है वो ओपन करके आपको एक बार शो कर देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि रोम जो है परफेक्टली वर्क कर रही है या नहीं। तो इस प्रकार से मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है ऐप ओपनिंग और एनिमेशंस के अंदर, बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहे हैं सारे एनिमेशंस। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं गैलरी की, तो गाइस गैलरी के अंदर आपको एक नया फीचर देखने को मिलता है, जिसके अंदर एडजस्ट का ऑप्शन नया देखने को मिलता है। इसको आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का व्यू आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको ओरिजिनल और ब्लैक एंड वाइट और एनहेंस्ड ये तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ब्लैक एंड वाइट पे आप टैप करते हो तो जो फ़ोटो है आपको ब्लैक एंड वाइट में आपको शो हो जाएगी, तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो फोटो को। तो यहाँ से आप एनहेंस पे क्लिक करते हो, जो फ़ोटो का कलर है थोड़ा और एनहेंस लुक आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो ये आपको एक नया जो सेटिंग है आपको इसमें देखने को मिलती है। बाकी एडिट का जो है टैब बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसमें फिल्टर्स वगैरह है वो आपको बिल्कुल नए देखने को मिलते हैं, जो कि इस रोम की जो है और भी अच्छा बना देते हैं। तो आप इन फिल्टर्स को यूज़ करें और आपके फ़ोटोज़ एडिट करें और इंस्टाग्राम जो है आप अपलोड करें, और आप हमें भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और चैट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सिक्योरिटी ऐप की बात करेंगे तो सिक्योरिटी ऐप आपको वही देखने को मिलता है, कोई लेटेस्ट जो आपको इसमें कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिलती। मेन चीज़ बात करते हैं इसकी गेम टर्बो की, तो गेम टर्बो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसके अंदर आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन देखने को मिलता है नहीं। तो मेरे पास अभी कोई फ़िलहाल गेम तो इंस्टॉल है नहीं, मैंने टेलीग्राम पे लगाया है, गेम टर्बो को ऑन किया है और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आपको लुक देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको ये कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं और बाकी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो थर्ड पार्टी ऐप्स। बाकी मुझे यहाँ पे जो वॉइस चेंजर का ऑप्शन है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं यूज़ भी नहीं किया, बट मुझे यहाँ पे कोई वॉइस चेंजर का ऑप्शन एक्स्ट्रा में देखने को नहीं मिल रहा। तो आप देख सकते हो इसमें आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी निराशाजनक बात है, बट कोई ना, रोम काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ मैं नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल आपको बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप कोई ऐप ओपन करते हो और अगर आप लॉक ओरिएंटेशन को चेंज करके जो है आपका ओरिएंटेशन चेंज करते हो तो ये जो है आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो नोटिफिकेशन बार है वो भी आपको नया देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी जो मेन बात है वो मैं आपको करता हूँ कि सेटिंग्स के अंदर कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो पहली बात, ये जो रोम है वो है एंड्रॉयड वर्जन 11 पे बेस्ड, जैसा कि आप देख सकते हो। बाकी सिक्योरिटी पैच आपको जो है आपको 1 अप्रैल का देखने को मिलता है। तो ये थी इसके डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन। बात करेंगे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको ये कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको फॉन्ट वगैरह, टेक्स्ट साइज, ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट जो मैं फीचर की बात करने वाला हूँ नोटिफिकेशन सेंटर की, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। स्टेटस बार में आपको ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जो है वॉलपेपर्स की बात करेंगे, यहाँ पे वॉलपेपर जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको सुपर वॉलपेपर का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी वॉलपेपर्स हैं सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए डेली लाता रहूँगा। नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ, लाइव वॉलपेपर का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है और ये कुछ वॉलपेपर्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। होम स्क्रीन की बात करता हूँ, होम स्क्रीन में आपको सिस्टम नेविगेशन का आपको नया ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको जेस्चर कन्फर्मेशन, ये जो है आपको नया ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको क्या कहता है, गेमिंग आप प्ले करते हो तो इसमें डबल जेस्चर्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, दो बार जब स्वाइप करोगे आप तो बैक हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी सर्च बार प्रोवाइडर आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलता है, ये भी आप इनेबल कर सकते हो इस रोम में। बाकी ये कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, डबल टैप टू लॉक स्क्रीन और अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स, ये सारे फीचर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। बात करेंगे इसके जो रैम मैनेजमेंट की है, तो रैम मैनेजमेंट आपको कैसा देखने को मिल रहा है, तो टोटली जो है आपको 4GB में से 1.4GB अभी स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, तो ये बिल्कुल मतलब अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तो आपको 1.4 देखने को मिल रहा है, पर काफ़ी टाइम मुझे 2GB रैम भी आपको मेरे को देखने को मिलती है, तो रैम के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी जो Xiaomi है, आपको पता है जो रैम मैनेजमेंट है इसका ज़्यादा अच्छा नहीं होता AOSP रोम्स के मुकाबले, तो ये कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आप बोलोगे कैमरा ऐप में क्या देखने को मिलता है क्या नहीं, तो कैमरा ऐप बेसिकली जो है आपको कुछ लेटेस्ट जो चीज़ें हैं, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे व्लॉग मोड है या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ व्लॉग मोड का फीचर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी आपको AI जो वाटरमार्क है उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप एक बार यूज़ कर सकते हो। बाकी कैमरा ओवरऑल चेंज कुछ देखने को नहीं मिलता, वही कैमरा आपको देखने को मिलता है। क्वालिटी आपको थोड़ी इम्प्रूव देखने को मिलती है पहले वाले कैमरे के मुकाबले, तो ये कुछ आपको फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, और बाकी सारे सेंसर परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल टच होते एकदम ओपन हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया रेस्पॉन्स दे रहा है। तो अब बात करते हैं जो आपके सरप्राइज़ की थी, मैंने बताया था कि क्या सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो मैं जो है एक आपके लिए एक जो टेलीग्राम चैनल मैंने क्रिएट किया है आपके लिए, जिसके अंदर मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाया करूँगा न्यू वॉलपेपर्स। समझ रहे हो ना। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपलोड किए हैं आपके लिए फुल HD और 4K जो वॉलपेपर्स हैं वो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
तो यहाँ से आप देखो 4K वॉलपेपर्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। जो भी मैं वॉलपेपर्स यूज़ करूँगा वीडियो के अंदर वो मैं आपको इस पर अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे आप ज्वाइन करिए, मैं आपको बड़े बड़े वॉलपेपर प्रोवाइड करवाता रहूँगा।